तो फिर मैंने कहा 50,000 रुपये, वो अपने को यूँ कंपनी वाले ने टिकट ला के दिए, इनका पैसे तो अपने को वसूल करने हैं। 15 पिक्चरें निपटाई, खाना सब फ्री में, A to Z सब फ्री में, मतलब उनने कोई चीज़ का चार्ज ही नहीं करा साहब। और जहाँ पे भी गाड़ी रोकी, कहीं वहाँ कोरिया वोरिया में रोकी, चने चिरौंजी वाले नहीं, न सीताफल मारे नहीं, कोई नहीं, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मधु मुस्कान फिल्म फेयर, फिल्म फेयर, फिल्म फेयर, इंडिया टुडे, अरे कुछ नहीं, कोई हल्ला ही नहीं। मतलब वहां पे गाड़ी रुके ना तो कोई कोई मतलब चू चपड़ ही नहीं, अपने को मालूम ही नहीं पड़े कि आप कि स्टैंड आ गया, ऐसा बिल्कुल ऐसा, इतना शांति प्रिय काम, तो बहुत बढ़िया रहा। तो पिक्चर देखो, खाना सब फ्री में दिया, और खाना वो देने वाली लेडीज, ओहो गोरी गट, अरे गोरी गट, और ऐसे मोम की गुड़िया रहती कि नहीं अपने, एकदम सुंदर, अरे ऐसी, और मेकअप वेकअप, और ऐसी कलाई, और ऐसी स्माइल, मतलब आप 26 घंटे में, मतलब 12 घंटे बाद उनने खाना दिया होगा, और मतलब वही लेडीज हमारे ना अप डाउन कर रही, और ऐसे टाइट कपड़े पहनी हुई है, चेहरे पे एक शिकन नहीं, स्माइल। तो मैंने कहा यार बहुत टाप, तो वो मैं क्या करूँ, वो मेरे को पड़ोस वाले को देख के आइडिया लग गया कि ऊपर घंटी बजाओ ना, वो आ जाती मैडम। तो मैंने घंटी बजाई, मैडम नींबू, बोले नींबू क्या होता है साहब, मैंने कहा लेमन लेमन, तो लेमन लेके, तो लेमन दिया उसने ऐसे, तो उसके हाथ से, और ऐसे जैसे चिकने हाथ, तो ऐसे तो लेमन लिया। फिर मैंने क्या, तो लेमन डाला मैंने उसमें, अरे मैंने कहा नमक तो रही गया, मैंने वो खाया तो मैंने कहा नमक, काली मिर्ची नहीं, फिर दबाया, तो मैंने बोला नमक ला दो सा, साल्ट पेपर, साल्ट पेपर, तो साल्ट पेपर लाई, और मेरे को उसमें बुलाने में मजा, मैं यूँ दबाऊँ और वो आए, यूँ दबाऊँ और वो आए, यूँ दबाऊँ और वो आए, मैंने कहा कोथमीर है क्या साहब, तो ये कोरिएंडर, तो बोले कोथमीर तो नहीं रखना है, तो वो बिना कोथमीर प्याज के अपन ने खाया, पुलाव उलाव मिले, वो मतलब था, मतलब अपना काम हो गया, बहुत मतलब सब एकदम सिस्टमेटिक काम था, मतलब बिल्कुल उसमें, मतलब उसमें उन्हें मेनू दे रखा था, उन्हें टाइम टू टाइम दे रखा था कि कब पिक्चर चालू कर सकते हो आप, ने कब खाना आएगा, ने सब काम आओ, सब बढ़िया ने, उसने ब्लैंकेट लाके दे दिया, उन्हें छोटा सा तकिया लाके दे दिया, और अपन ने ऐसा लगा के ऐसा सोए यार। एक काम ना सबसे बकवास, एक काम इनको समझ में नहीं आया मेरे को कि इनने किसे करते क्या है न क्यों करते हैं, वो था संडास का काम। तो भैया 14-15 घंटे बाद वहां पे बैठे रहने के बाद, खाना खाने के बाद खूब डट के खाया, प्रेशर आया अपना, अब प्रेशर आया तो ऐसा कि अब वो मैं यूं खिड़की वाली सीट पे बैठा हो, पड़ोस में 3 जने और बैठे हुए, और वो सब है ना गड़ गुप होके बिल्कुल एकदम खर्राटे मार के सो रहा है। और मैंने कहा अरे मेरे सर बहुत, अरे बहुत रेते ही नहीं बन रहे, मतलब मैं आधा घंटे तो ऐसे ऐसे होता रहा यार कि अभी अभी आने वाला होगा, आने वाला होगा, और मेरे से रेवे नहीं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, और मैंने कहा अरे अरे, उठ के मैं जैसे तैसे भगा रहे, ऐसे तेज भगा ने, वो संडास इतना जरा सा, मतलब विश्वास नहीं करेगा, मतलब जरा सा मतलब एकदम गोदरेज की अलमारी रहती कि नहीं, गोदरेज की अलमारी मतलब छोटी साइज की, उतना समझ का संडा। मैं कहूँ कि अपना कोई खाते पीते घर का आदमी हो, इधर का किलाद मार्केट तरफ का, तो जा ही नहीं पाया। अरे मैं जैसे तैसे उसमें, मतलब मैंने ऐसे पेट को ऐसे सांस अंदर ली, और मैं साइड में होके ऐसे बैठा, और मैंने क्या अरे करो थे? तो कार्यक्रम निपटाया अपना, तो वहां देखो तो मेरा दिमाग घूम गया, मग्गा नहीं मिले। अरे मैंने कहा मग्गा कहाँ गया यार, तू पूरा पूरा छान मारा है यार, ऊपर नीचे इतने खबाट ने, इधर नहीं ये नहीं, ये कागज निकले नहीं, ये कागज निकले ना, 4-6 तरीके के पेपर निकले उसमें साहब, ने मग्गा कहीं नहीं। अरे मैंने क्या मैंने ऐसा पढ़ रखा था मैगजीन वैगजीन में कि यहाँ फॉरेन में तो सब कागज से साफ करते हैं। अरे मैंने क्या ऐसा ऐसा गंदी वाड़ा, ऐसा गंदी वाड़ा, यूँ फॉरेन वाले कितने गोरे गट साफ सुफ रहते हैं, लेकिन इनका एक काम बिल्कुल थर्ड क्लास। तो मैं कागज वागज से पोछ पाछ के निकला,
तो निकला तो वहां पे बाहर लाइन लग गई कि इतनी देर कैसे हो गई साहब को। तो एयर होस्टेस में जा, यू ओके यू ओके यू क्या है? मैंने कहा मैडम मग्गा। बोले व्हाट इज मग्गा? तो मैंने सब बताया कि पानी डालने के लिए ऐसा। बोले यूज पेपर? अरे मैंने कहा ये चोटी काहे का यूज पेपर, कोई वहां पे अपने को शायरी कविता लिखनी हो तो यूज पेपर, मग्गा रखना चाहिए। अरे मैंने क्या ऐसा दिमाग खराब हुआ, और मतलब मेरे को सुहा ही नहीं। उसके बाद मैं ऐसा ऐसे बैठू ना वो कुर्सी पे, तो ढंग से बिठा ही नहीं मेरे से। तो जैसे तैसे यात्रा करी ना, उतरे ना, फिर वहां से होटल गए। होटल तो और भी मतलब ऐसा शानदार आलीशान, 5 स्टार तो क्या भैया, 5 स्टार क्या, 9, 10, 11 स्टार होगा यार ऐसा। और सब गोरे, सब गोरे। अरे अपने अपने ये मतलब गंदी वाले का काम ही नहीं, कोई काले वाले नहीं, सब गोरी एकदम बिल्कुल मैदे की बर्फी, सब ऐसे बिल्कुल ऐसे गोरे गोट और ऐसे स्माइल। और ये तो गए होटल में, वो होटल में देखो तो 2 पलंग, एक प्राणी, 2 पलंग, 2 ऐसे बड़े बड़े बेड, और बड़े बड़े, और पानी की बोतलें रखी हुई है। एक पानी की बोतल पे क्या लिखा, यूज दिस फॉर $5। $5, 250 रुपए की पानी की बोतल। अरे मैंने क्या, तो मैंने क्या यार ये तो पिट जाएंगे। वो प्लेन में अपने वो लगेज में रखी थी पानी की, तो वो निकाल ली और वो पी अपन ने। तो जैसे तैसे कपड़े वपड़े अपन ने चेंज करे पजामा, फिर प्रेशर आया अपने को, तो अपन गए फिर वहां पे। और यहाँ पे बढ़िया एकदम, और ऐसी मतलब आपकी प्लेन की उसकी उसकी 10 गुना बड़ी, और खूब बड़ा संडास। अरे अपन जो फेल के वहां पे बैठे, अपन ने सब कार्यक्रम निपटाया, लेकिन फिर काम वही हो गया वहां पे। फिर देखो तो फिर मग्गा नहीं, पूरा सब खपाट खोल मारे यार, कहीं पे मग्गा ही नहीं। अरे मैंने ये तो बहुत बुरा काम हो गया, मानोगे नहीं आपने क्या करा। मैंने कहा अपन यहाँ पे महीने 2 महीने के लिए रहने आए, और ये कग्गत से अपने होएगा नहीं। कितना क्या कग्गत से, कैसा 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 सुगली वाला काम है कि नहीं? तो वो 250 रुपए की पानी की बोतल खोल ली, और उससे अपन ने ये बस वही अखर रही अपने को, उसके सिवा सब मस्त चल रहे हैं।